Hello guys, welcome back to my channel Desi Canadian Vlog. So in this today's video I will show the quick overview around my house, like how it's getting snowy here. So I will show you how we shovel our sidewalk, how we clean snow from our car, and everything I'm noticing outside. So first of all I will do snow shovel in the sidewalk. So let's see how it goes. मैं अपना जितना भी sidewalk है गया, ये मैं सारा shovel करूँगा। ये मैं तुम दिखाऊँगा कि गड्डी में तो snow कितना पास साफ कर दें। ये पीछे मैं साड़ी garden है गया, और garden में ही sidewalk बनी है पीछे। उधर ही मैं तुम दसवां कितना अपना सारा ना जितनी snow clean करनी है। So let's start. बहुत अनप्रडिक्टेबल है, क्योंकि जो मैं गल करा तो कल की गल करा जिदा ना, कल पूरी धुप निकली हुई तेज, तो रात में या शाम में जिदा भी है एकदम पहले मीह पैन लग पाया, रेनिंग होने लग पी, फिर थोड़ी देर बाद अपना स्नो पैन लग पी। तो सवेर में जब आप उठ के बाहर आए तो बहुत ज़्यादा सारा वाइट ही वाइट हो गया सारा, जिदा भी देख सकते हो ना, एवरीथिंग इज वाइट नाउ। हाँ फिर मज़ा आ रहा है। कल आप सारा दिन वाला घूमते रहे, कल सारी धुप पई कि चिर, तो रात में जो सैर कर ला बिल्कुल स्नो डिगन लग ना, यह कि मतलब वैदर रिपोर्ट यह कि भी नहीं है कि स्नो डिगूगी, उत्ते सिर्फ सिर्फ बारिश सी, बारिश होती नो डाउट, पर शाम जिदा ही हुई शाम ना ही स्नो डिगन लग पी कि चेर ही स्नो पैंती रही कि देर। चंगा पलिया कुत्ता, मैं चंगा पलिया ओदा। इस तरह आप शफल करांगे कि आप अपने वॉकिंग वास्ते अपनी अपनी जगह भी बना सकी, तो किसी को प्रॉब्लम भी ना हो, क्योंकि इतने जो आप अपना साइडवॉक शफल नहीं करते तो जे कोई एक्सीडेंटली डिग जाता ना तो सानू हैवी फाइन हो सकता वा, दिक्कत भी मिल सकती है इतना ना, ये चीज है जी। आप कम्युनिटी देखने ट्रेल की कम्युनिटी है ना, इतना आप टिकट मिल सकती है साढ़े घर आ जाएगी, टिकट अपन इंश्योरेंस अपन पे करनी पेगी ना, अगर आप एक्सपेंस है जो भी है ना अपन पे करना पेगा, जो भी उन्होंने मतलब सट वगैरह लगती है। राती ताया ताया डिगी ना है ता करके ना, मतलब चंगी तरह लगती नहीं पई थले ना, जो चिपक जाती इन्नी हार्ड हो जाती उतरती नहीं है। एक गल और जो इतने स्नो पैंती है हाले फ्रैशली जो स्नो पई हुई है उन्होंने शवल करना थोड़ा ईजी है, तो जिदा हूँ तुम आप देख सकते हो साइडा पर होना देख सकते हो, तुम ब्लैक ब्लैक चीज़ दिख रही है, यदा मतलब कि पैक्ड स्नो हो चुकी है। पैक्ड स्नो का मतलब की है कि जो तुम शवल करोगे तो तुम टाइम बहुत लगेगा, तो तुम ज़्यादा मेहनत करनी पेगी स्नो शवल, जोर ज़्यादा लगेगा ना, लगेगा फ्रैशली पैक्ड स्नो होंगी है वो तुम ईजली क्लीन कर सकते हो, बस फर्क ही होंगे घर घर कि तरह पी है। हम इतने आप इन्नी करती हुई है हम आप पिछे जावे थोड़ा जहा रस्ता आप पिछे पिछे बना सकते, मेरे तो पूरे पैर ही अंदर वड़न दे। बहुत है नहीं ना साइडवॉक जी है अपने हाउस के फ्रंट की बैक की आप क्लीन करती हुई है, तो हूँ गड्डी तो थोड़ी जी स्नो पी है, जिदा बाकी गड्डिया तो देख सकते हो ना, बाकी गड्डिया स्नो ज़्यादा पई हुई है क्योंकि इन्होंने रात तो बाद गड्डी चलाई नहीं है, खोली नहीं है, तो मैं एक बार सवेरे जाया वा गड्डी कि उत्ते स्नो घट पई है क्योंकि पहले क्लीन कर चुके हैं, तो हम मैं तुम्हें दस दा कि गड्डी स्नो उत्तों क्लीन कि क्लीन करनी है।
एक होर गल है जी दसनी तुम भुल गया जी तुम शवल देख सकते हो ना ये शवल मन च क्वेश्चन आ रहा वा कि यह शवल आप कि इतने चलानी है इफेक्टिवली जो आप यूज करनी है कि करनी है तो आ जो तुम पार्ट देख सकते हो आ पार्ट जो ब्लैक कलर का जो पार्ट है ना इतने जो आप कुछ ग्रीस वगैरह का मटीरियल यूज करा जो ऑयल लावे ना थोड़ा वह होगा जो आप स्नो इदा क्लीन करा ना इदा आप स्नो इदा आप क्लीन की स्नो छड़िया आप अगर आप देख सकते ना स्नो इतने स्टिक हो रही है जे आप इतने ऑयल या ग्रीस अप्लाई किया है तो स्नो जी स्टिक नहीं होगी तो तुम इफेक्टिवली यूज कर पाओगे तो ज़्यादा जोर भी नहीं लगेगा तो इस चीज़ का तुम ध्यान रख सकते हो तो हूँ मैं करूँगा अपनी जी मैं गड्डी के कोल जाना ना डोर खोलनी हूँ वह जगह बनाऊँगा ताकि मैंने प्रॉब्लम ना आए मेरे शूज फसन ना गड्डी को जाना ना तो मैं अपना एरिया क्लीन करता है तो एक चीज़ होर आ जिदा तुम आ ब्लू तो वाइट जो बिन इतने पे देख सकते हो ना उसे सामने भी पिया वा उधर भी पिया वा हूँ ये ब्लू तो वाइट बिन का मतलब की है यदा मतलब है कि अज है वैडनसडे तो हर वैडनसडे इतने रीसाइकलिंग होंगी है मतलब हर वैडनसडे नहीं हर दूजे हफ्ते वैडनसडे इतने रीसाइकलिंग होंगी है जिदे अपना रीसाइकलिंग का जिन्ना मटीरियल है गया बॉटल्स हो गए प्लास्टिक हो गए कागज के रैपर हो गए पेपर बैग्स हो गए फॉयल पेपर हो गए वो सारा कुछ आप छांट के तो इन दोवें बिना भी रखना तुम देख सकते हो दूजे जोड़े है बिन जो वाइट से उस अपने पेपर बैग तो जड़िया कच दिया बोतल होंगे ग्लास बोटल्स हो जाए तो जो ब्लू वाला बिन है वो आप प्लास्टिक जोड़े मटीरियल्स होंगे या रीसाइकलिंग बोटल्स वगैरह हो गई वो सारिया चीज़ा उस जाएगियाँ करते हैं गड्डी थोड़ी थोड़ी जी स्नो क्लीन तो मैं तुम्हें दिखाना है उस पहले मैं की करूँगा गड्डी मैं स्नो क्लीन करने तो पहले मैं एक जरूरी चीज़ करनी है जिदा गड्डी मैं 5-10 मिनट लिए हीट चला के छड़ देना वो होगा जी गड्डी के उ स्नो पई है ना ये हल्की हल्की जी सॉफ्ट पै जाएगी मतलब जी ये स्टिकनेस है ना वो इन्हें छड़ देनी है तो मैं क्लीन कर आसानी होगी तो आ जाओ फिर आप करते हैं पहले मैं अंदर चाबी फड़ लिया हूँ जी गड्डी है मैं अपनी स्टार्ट की है ना मैं चाबी के नाल नहीं की क्योंकि चाबी के नाल मैं हीटिंग सैटिंग्स चाहिए अंदर दियाँ तो मैं चाबी के नाल स्टार्ट नहीं की मैं रैदर दैन ऐप यूज़ करूँगा हूँ ऐप तो यह होगा मैं गड्डी स्टार्ट करी तो देख सकते हो ना जो आ रहा वा रिमोट स्टार्ट इन प्रोग्रेस ये जड़िया हीटिंग सैटिंग्स हैं वो ऑटोमैटिकली अप्लाई हो जाएगियाँ तो जी गड्डी आ वो अपनी स्टार्ट हो जाएगी बस थोड़ी देर से और टाइम लगेगा हूँ तुम उधर लाइटा देख सकते हो ना लाइटा चल पी उ तो इतने फिर आ जाना रिमोट स्टार्ट कंप्लीटड आ जाना इतने आ जाना रिमोट स्टार्ट कंप्लीट सो करते हैं हूँ अपनी गड्डी क्लीन तुम हम देख सकते हो मेरे को टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नो क्लीनिंग ब्रश है आ जो है थोड़ा चीपेस्ट है यहाँ 5-10 मिल जाए कनेडियन टायर तो मिल जाना वा वॉलमार्ट तो मिल जाएगा तो होर भी निके मोटे जो इतने गैस स्टेशन है ग्रोसरी स्टोर है तुम्हें ईजीली मिल जाएगा आ जोड़ा है वा ये थोड़ा एडवांस आ थोड़ा मतलब वधिया तरीके यूज़ कर सकते हो ये की है जो ब्रशेस थोड़े है वो हार्ड है तो तुम मिरर वगैरह से मारोगे या ग्लास से मारोगे मे भी थोड़ा डैमेज हो सके ये जे आईडी चीज़ है ना ये ब्रश जोड़े है ये ब्रश थोड़े सॉफ्ट आ है ना हैंडल व्डा आ दोवें हत्थों की सपोर्ट आ जी वी हैगी है तुम यूज़ इन आराम ना कर सकते हो इतने ये बटन भी लगे हुए हैं ना जो बटन लगे हुए हैं आ बटन लगे हुए हैं तुम एडजस्ट कर सकते हो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो इतने लॉक भी लगा है यहाँ लॉक लगे ना ये लॉक में उत्ते थले करके इनू इतने पक्का कर सकते हो हम आज लॉक लग गया इन मैं थले करूँगा इन मैं लॉक में थले किया तो आ अपना आ गया उत्ते हूँ इन मैं आराम ना जो इतने ना मैं क्लीन करूँगा तुम देखो तो फस्ट ऑफ ऑल मैं आ यूज़ कर लग्या फिर मैं तुम आ यूज़ कर लगे
ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੱਸ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਵੈਦਰ ਫਰੋਸਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਆ, ਇਸ ਗਲਾਸ 'ਤੇ ਨਾ ਆਈਸ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਲੇਅਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਰੱਸ਼ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਆ ਨਾ ਆਹ ਸਮੂਥਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਬਰੱਸ਼ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਬਰੱਸ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਰੱਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਆ। ਤੇ ਬੁਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਨੋਅ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀਟਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੜੀ ਸਮੂਥਲੀ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾ ਅਗਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਬਰੱਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪੇਂਟ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ 'ਤੇ, ਗਲਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਐਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਲੀਨ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਆ ਨਾ ਟਾਇਰ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮੂਹ 'ਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਟ ਪਰਤ ਆ, ਉੱਤੇ ਸਨੋਅ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਲੱਸ਼ ਹੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਨੋਅ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਟੱਡਡ ਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਵੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।